हेलो स्टूडेंट्स, कंपनी लॉ की हमारी पिछली क्लास में हमने डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस अर्थात आन्वयिक सूचना के सिद्धांत के बारे में बात की थी। आज हम उस डॉक्ट्राइन के ठीक अपोजिट डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अपोजिट मैं इसलिए कह रही हूँ इन दोनों डॉक्ट्राइन्स को आपस में, क्योंकि आन्वयिक सूचना का सिद्धांत आउटसाइडर्स के अगेंस्ट कंपनी को प्रोटेक्ट कर रहा था। किसको प्रोटेक्शन प्रदान कर रहा था? कंपनी को आउटसाइडर्स के अगेंस्ट। जबकि आज जो हम पढ़ेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट या आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत, वो आउटसाइडर्स को प्रोटेक्शन दे रहा है कंपनी के अगेंस्ट। इसलिए ये दोनों सिद्धांत एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के अपोजिट है। देखिए, आज जो आन्वयिक सूचना का जो सिद्धांत था वो केवल कंपनी की बाहरी स्थिति से संबंधित था, वो कंपनी के आंतरिक मामलों के बारे में कोई आन्वयिक सूचना उपलब्ध नहीं करवाता था। जबकि आंतरिक प्रबंध का जो सिद्धांत है, जिसके बारे में हम आज हमारे क्लास में पढ़ेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार यदि आउटसाइडर ने, किसी बाहरी व्यक्ति ने कंपनी के साथ संविदा करते समय लोग दस्तावेजों का अर्थात मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को पूरी तरह से अगर फॉलो किया है, उनको अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, रेड आउट किया है और उनको फॉलो करके उसने कंपनी के साथ संविदा की है, तो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में भले ही कोई फॉल्ट हो, कोई त्रुटि हो, कोई गड़बड़ी हो, तो भी वो आउटसाइडर जिम्मेदार नहीं होगा। तो इस तरह से इंटरनल मैनेजमेंट का ये जो डॉक्ट्राइन है वो प्रोटेक्ट कर रहा है आउटसाइडर्स को। उन्हें भी तो भाई सुरक्षा चाहिए ना, तो उनको सुरक्षित कौन कर रहा है? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट यानी कि आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत। ठीक है, देखिए इस सिद्धांत के अनुसार यदि आउटसाइडर ने कंपनी के जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है उनको फॉलो करके कंपनी के साथ संविदा करी है, तो बाद में कोई परिणाम निकले, जैसे बाद में अगर कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में, आंतरिक प्रक्रिया में, इंटरनल प्रोसीजर में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो आउटसाइडर लाइबल नहीं होगा, वो बिल्कुल पूरी तरह से प्रोटेक्ट होगा। ठीक है, तो ये तो था इस डॉक्ट्राइन का मीनिंग। अब हम लोग इसे क्लियर करते हैं। इस डॉक्ट्राइन को देखिए, रूल ऑफ टारक्वांड के नाम से भी जाना जाता है। टारक्वांड का नियम, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है इसके बारे में कि व्हाट इज रूल ऑफ टारक्वांड, एक्सप्लेन अबाउट द रूल ऑफ टारक्वांड विद इट्स एक्सेप्शंस। टारक्वांड के नियम को उसके अपवादों के साथ स्पष्ट कीजिए, टारक्वांड का नियम क्या है। ठीक है, तो दोनों ही एक ही बात है। डॉक्ट्राइन ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट को रूल ऑफ टारक्वांड भी कहा जाता है। ठीक है, अब रूल ऑफ टारक्वांड इसे क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि इस डॉक्ट्राइन का जो प्रोपाउंडिंग हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, वो रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टारक्वांड 1856 इस मामले में हुआ था। इस मामले में हुआ था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? रूल ऑफ टारक्वांड कहा जाता है। क्लियर, अब हम इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर जो टारक्वांड है, जो हमारा प्लेंटिफ है, उसने कंपनी के साथ में एक संविदा करी, एक लोन एग्रीमेंट किया था। कंपनी के दस्तावेजों में ये लिखा था कि कंपनी लोन ले सकती है, कंपनी इजीली लोन ले सकती है, तो मिस्टर टारक्वांड ने लोन एग्रीमेंट साइन करा और कंपनी को लोन दे दिया। साथ ही कंपनी ने ये भी लिखा था उसमें आर्टिकल्स में कि कंपनी लोन ले सकती है, लेकिन कंपनी ने लोन लेने के संबंध में शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग में अप्रूवल करवा लिया हो और साथ में एक रिजोल्यूशन भी पास कर लिया। ठीक है, अब मिस्टर टारक्वांड ने कंपनी को लोन दे दिया। जब पे करने का टाइम आया तो कंपनी ने मिस्टर टारक्वांड को लोन पे करने से मना कर दिया कि कंपनी इस ऋण का भुगतान करने के लिए दायित्ववादी नहीं है, क्योंकि कंपनी के डायरेक्टर्स को कंपनी के संबंध में ऐसी संविदा करने का अधिकार था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन ही पास नहीं करवाया, जनरल मीटिंग का अप्रूवल ही नहीं लिया। ऐसा किसने कहा? कंपनी ने कहा। अब मिस्टर टारक्वांड ने कहा कि भाई कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे वो कंपनी के लिए ऋण लेने के लिए अधिकृत थे, क्योंकि ऐसा कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में लिखा है। ठीक है, अब उन्होंने अपने जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास किया या नहीं, अप्रूवल लिया या नहीं, इस बार ये मामला क्या है? आंतरिक प्रक्रिया है या आंतरिक प्रबंध का मामला है, इंटरनल मैनेजमेंट का मामला है, और ये कंपनी की खुद की आंतरिक व्यवस्था से संबंधित है, इसमें मेरा क्या? ठीक है, ऐसा मिस्टर टारक्वांड ने कहा। मामला जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने डिसीजन दिया मिस्टर टारक्वांड के फेवर में, और ये कहते हुए कि क्योंकि
इस पगप्लेंटिफ ने सारी के सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करी है किसके अकॉर्डिंग, कंपनी के मेमोरेंडम, कंपनी के आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन केवल इन आउटसाइडर्स की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में ताक झांक करते रहे, उसकी जांच करते रहे, ठीक है। तो उनकी जिम्मेदारी केवल कहां तक है कि वो जो संविदा कंपनी के साथ करने जा रहे हैं बिल्कुल सजग होकर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़कर समझकर करें, इतना ही उनकी लायबिलिटी होती है, इससे ज्यादा उनकी लायबिलिटी नहीं होती। कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट या इंटरनल मैकेनिज्म में क्या चल रहा है, क्या गड़बड़ी है, क्या फॉल्ट है, ये देखना आउटसाइडर्स का काम नहीं है। अगर कंपनी की आंतरिक प्रक्रिया से संबंधित कोई गड़बड़ी बाद में अराइज होती है तो उसके लिए कंपनी खुद लायबल है, ऐसा इस केस में कहा गया। और इस केस में कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को एस्टैब्लिश किया, ठीक है। तो ये था हमारा डॉक्ट्राइन और इससे रिलेटेड हमारा फेमस केस, ठीक है। अब देखिए इस डॉक्ट्राइन का जिसमें हमने पढ़ा कि डॉक्ट्राइन आउटसाइडर्स को फेवर कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही इस डॉक्ट्राइन के कुछ एक्सेप्शंस भी हम पढ़ते हैं। एक्सेप्शन से यह मतलब है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां जिनमें कंपनी लायबल नहीं होगी, मतलब मैटर तो इंटरनल मैनेजमेंट का ही है, फॉल्ट तो कहीं ना कहीं आंतरिक प्रबंध में ही है, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी कंपनी आउटसाइडर्स के लिए दायित्ववादी नहीं होगी। ऐसी परिस्थितियों को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इस डॉक्ट्राइन के अपवाद कहते हैं, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको एक्सेप्शन डिस्कस करती हूँ आपसे। फर्स्ट, नॉलेज ऑफ इररेगुलरिटी अर्थात अनियमितता का ज्ञान। देखिए जहां पर कोई पर्सन अगर खुद कंपनी के इंटरनल मैकेनिज्म का पार्ट है, कंपनी के आंतरिक जो प्रबंध है उसका खुद भागीदार है, खुद उसका हिस्सा है और उसे अनियमितताओं के बारे में नॉलेज है, उसे इररेगुलरिटी का ज्ञान है कि कंपनी के प्रोसीजर में क्या इररेगुलरिटी है, तो ऐसा व्यक्ति बाद में डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का डिफेंस नहीं ले सकता। वो ये नहीं कह सकता कि भाई ये तो कंपनी के आंतरिक प्रबंध का मामला था, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं, ऐसा वो नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि उसे उस अनियमितता के बारे में पता था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में तीन डायरेक्टर है, ए बी एंड सी। कंपनी की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के दौरान मिस्टर ए जो है उनको कुछ शेयर्स अलॉट करे बी और सी ने, ठीक है। अब ए को ये पता है बहुत अच्छे से कि बी और सी जो का जो अपॉइंटमेंट हुआ है एज ए डायरेक्टर वो सही नहीं है, वैलिड तरीके से नहीं हुआ है उनका अपॉइंटमेंट, फिर भी वो शेयर्स स्वीकार कर लेते हैं, उन शेयर्स को ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये सारा प्रोसीजर ठीक है, शेयर्स को अलॉट करने वाला अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ठीक है, नहीं है ना, क्योंकि मिस्टर ए को इररेगुलरिटी की नॉलेज है। जिन निदेशकों ने उनको ये शेयर्स अलॉट करे हैं वो निदेशकों की नियुक्ति ही सही ढंग से नहीं हुई है, तो वो अलॉट किए गए शेयर्स भला, ये जो अलॉटमेंट का प्रोसीजर है वो भला वैलिड कैसे हो सकता है। तो चूंकि यहाँ पर मिस्टर ए को अनियमितता की जानकारी थी, तो बाद में मिस्टर ए ये नहीं कह सकते कि ये तो कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट का मामला है साहब, मैं क्या करूं, ठीक है। तो उन्हें डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का डिफेंस नहीं मिलेगा, क्लियर। अब हम सेकंड एक्सेप्शन पे चलते हैं, इन द मैटर्स ऑफ फॉर्जरी यानी कि जालसाजी के मामलों में। इस एक्सेप्शन के अनुसार जहां कंपनी के किसी ऑफिसर ने, किसी एम्प्लॉय ने, किसी अधिकारी ने अगर फॉर्जरी की है किसी के साथ, जालसाजी की है किसी आउटसाइडर के साथ में जो कंपनी के साथ डील कर रहा है उसके साथ में, तो कंपनी लायबल नहीं होगी। देखिए कैसे, इसके लिए हमने केस पढ़ते हैं रुबेन वर्सेस ग्रेट फिगर्स कंसोलिडेटेड कंपनी। यहां पर जो ये मिस्टर रुबेन है हमारे प्लेंटिफ, ये ट्रांसफरी है, इनको शेयर्स ट्रांसफर किए गए थे और कंपनी की तरफ से मिस्टर रुबेन को एक शेयर सर्टिफिकेट इशू किया गया। उस शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर कंपनी के सेक्रेटरी ने खुद ने जालसाजी से दो जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे उनके जाली हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है, और उनको वो शेयर सर्टिफिकेट दे दिया। अब मिस्टर रुबेन तो हैप्पी, खुश हो गए कि हाँ मेरे पास तो सही शेयर सर्टिफिकेट है, ठीक है। बाद में जब मामला सामने आया तो कंपनी ने इनको पेमेंट करने से मना कर दिया, कंपनी ने कहा कि हम आपके प्रति लायबल नहीं है। क्यों, क्योंकि मामला कैसा है, फॉर्जरी का मामला है और जालसाजी के मामलों में। अब मिस्टर रुबेन ने क्या कहा यहाँ पर कि भाई कंपनी में साइन किसने करे हैं, ये सिग्नेचर किसके हैं, सेक्रेटरी के हैं या सेक्रेटरी ने खुद ने किसी और के किए हैं, डायरेक्टर्स ने किए हैं या नहीं किए हैं, ये तो कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट का मामला है।
ठीक है ना। तो मैं हम इन जो आउटसाइडर्स है वो इंटरनल मैम क्या करते हैं, कंपनी से डील कर रहे हैं सारी की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके। हाँ, कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में दखल देने का काम हमारा नहीं है, उनकी जांच करने का काम हमारा नहीं है, ठीक है, ऐसा मिस्टर उबेन ने अपने डिफेंस में कहा। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि जालसाजी के मामलों में प्लेंटिफ को डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का डिफेंस नहीं मिलेगा। अब देखिए इसमें ये कहा, आगे कोर्ट ने ये कहा कि भले ही यहाँ पर जालसाजी के मामलों में कंपनी लायबल नहीं है, लेकिन प्लेंटिफ उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने उसके साथ में जालसाजी की है उस पर पर्सनली वो सूट फाइल कर दे, उस पर केस दायर कर दे, वो व्यक्ति पर्सनल लायबल होगा जिसने फॉर्जरी करी है, न कि कंपनी। तो एक रास्ता यहाँ पर प्लेंटिफ के सामने खुला है, लेकिन कंपनी लायबल नहीं। क्लियर। फिर बात आती है नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ आउटसाइडर्स। अगर मान लीजिए यहाँ हम नेग्लिजेंस, देखिए वैसे तो जो भी आउटसाइडर है, जो भी व्यक्ति है जो कंपनी के साथ डील करने जा रहा है, उसको पूरा सजग होके कंपनी के साथ डीलिंग करनी चाहिए, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, पढ़ते आ रहे हैं हम लोग है। एक जनरल प्रूडेंट पर्सन की तरह अगर कहीं पर भी कोई थोड़ा सा भी सस्पेंशन दिखता है कि कहीं ना कहीं रेगुलरिटी होने का कोई संदेह है, तो उसकी जांच की जानी चाहिए, उसके बारे में पता लगाना चाहिए। भाई एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति यही तो करता है, ठीक है। तो अगर फिर भी उस व्यक्ति ने नेग्लिजेंस बरती है जहां पर उसको शक होना था, संदेह होना था, और फिर भी उसने, मतलब वो परिस्थितियां ऐसी थी जो कि इंक्वायरी इन्वाइट कर रही है, जांच आमंत्रित कर रही है, फिर भी आपने जांच नहीं करी, तो वहां क्या है, नेग्लिजेंस होगी उस आउटसाइडर की। तो यदि आउटसाइडर की नेग्लिजेंस की वजह से उसे नुकसान हुआ है तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगी, बल्कि वो उसके पास फिर वही रास्ता होगा कि वो सामने उस व्यक्ति को जिसने उसको नुकसान पहुंचाया है पर्सनली लायबल ठहरा सकता है, भले ही वो कंपनी का कोई ऑफिसर हो, कोई डायरेक्टर हो, कोई भी हो, लेकिन कंपनी खुद लायबल नहीं होगी। इसे भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं, आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशो एंड कंपनी, बहुत फेमस केस इस टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट किया, किसके साथ किया, कंपनी के, किस मैटर पे किया, कंपनी की इमूवेबल प्रॉपर्टीज को परचेज करने के लिए। ये एक पर्सन है, ये कंपनी की इमूवेबल प्रॉपर्टीज को परचेज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ करता है, वो कंपनी के अकाउंटेंट के साथ, किसके साथ करता है, अकाउंटेंट के साथ। अब आप खुद ही सोचिए जनरल प्रूडेंट पर्सन की तरह कि क्या कंपनी के अकाउंटेंट को कंपनी की इमोबल प्रॉपर्टीज को सेल करने का राइट होता है। भाई किसको होगा, या तो कंपनी का कोई डायरेक्टर होगा या मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, या फिर अगर कंपनी का अकाउंटेंट भी होगा तो उसको भी, उसके पास भी पावर ऑफ अटॉर्नी होगी कंपनी की तरफ से, उसको भी बेचने का अधिकार दे रखा होगा, तो उसकी भी जांच करनी पड़ेगी। परिस्थितियां यहाँ क्या कह रही है, इंक्वायरी की बात करें कि भैया आप देखें कि क्या ये अकाउंटेंट अधिकृत है कंपनी की इमोबल प्रॉपर्टीज को बेचने के लिए जिससे आप खरीदने जा रहे हैं। यहाँ पर इस व्यक्ति ने अपनी जो अपनी सामान्य बुद्धि थी उसका बिल्कुल भी यूज नहीं करा, है ना, और नेग्लिजेंस से क्या करा, उस व्यक्ति के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। इसलिए कंपनी को इस व्यक्ति के प्रति लायबल नहीं ठहराया गया, ये व्यक्ति उस अकाउंटेंट को पर्सनली लायबल ठहरा सकता है, लेकिन चूंकि इसने नेग्लिजेंस दिखाई है, ये खुद भी अगर थोड़ा सा प्रयास करता, थोड़े से एफर्ट्स लगाता, तो सच्चाई इसके सामने आ जाती, लेकिन इसने क्या करा, असावधानी बरती, नेग्लिजेंस बरती, और इसलिए ये व्यक्ति कंपनी को लायबल नहीं ठहरा सकता। हाँ, उस सामने वाले व्यक्ति जिसने कि इसके साथ फ्रॉड किया है उस व्यक्ति के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर फोर्थ, रिप्रेजेंटेशन थ्रू आर्टिकल्स, अर्थात अनुच्छेदों द्वारा व्यापदेशन, और जिस व्यक्ति को अनुच्छेदों का ज्ञान नहीं है उसके बारे में इसे बता रखा है। जैसे हमने पहले भी कई बार ये कंडीशन मस्ट बताई है कि जो भी व्यक्ति, जो भी आउटसाइडर कंपनी के साथ डील कर रहा है उसको कंपनी के मेमोरेंडम्स आर्टिकल्स का नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज मस्ट है यहाँ पर, बिना मतलब एसेंशियल है एक्चुअल में। कंपनी के साथ अगर आप डीलिंग कर रहे हैं तो आपको इन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज एसेंशियल है, आपको होनी ही चाहिए। अगर आपको किसी ऐसी बात का ज्ञान नहीं है, फिर अगर आप उस बात के संदर्भ में कंपनी के साथ कोई डीलिंग कर लेते हैं तो बाद में आप ये नहीं कह सकते कि साहब मुझे तो अनुच्छेदों का ज्ञान ही नहीं, या फिर अनुच्छेदों में इस प्रकार में कुछ इस बारे में कुछ कहा ही नहीं गया।
तो ऐसे व्यक्ति को जिसको कि कोई नॉलेज नहीं है कंपनी के प्रोसीजर के बारे में, जिसने कंपनी के दस्तावेजों को अच्छे से पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, जिस विषय के संबंध में कंपनी के आर्टिकल्स कुछ बोलते ही नहीं है, आप उस विषय के संबंध में कंपनी से डीलिंग कर ले और फिर ये कहें कि साहब मुझे तो अनुच्छेदों का ज्ञान नहीं है, ऐसी परिस्थितियों में उस व्यक्ति को डिफेंस नहीं मिलता डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का। जबकि अगर क्लियर कर रखा है कंपनी ने कि भाई कंपनी का इस तरह से प्रोसीजर होगा, तो आपको सारी प्रोसीजर कंपनी के आर्टिकल्स में देखनी होती है, उनको समझनी होती है। आप ये नहीं कह सकते कि भैया आर्टिकल्स में ये बात क्यों नहीं दे रखी है, ठीक है ना, या फिर आर्टिकल्स में ये बात दे रखी है आई हैव नो नॉलेज, मुझे पता ही नहीं था, ठीक है ना, तो ये कोई डिफेंस नहीं होगा। फिर बात आती है एक्स आउटसाइड द अपेरेंट अथॉरिटी, यानी कि प्राधिकार के बाहर के कार्य। देखिए यदि डायरेक्टर्स को किसी कार्य को करने का कोई प्राधिकार ही नहीं है, कंपनी ने अपने डायरेक्टर्स को या किसी भी ऑफिसर को किसी कार्य को करने की कोई अथॉरिटी दे ही नहीं रखी और फिर भी वो व्यक्ति उस कार्य को करता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए कंपनी के डायरेक्टर जरूर है, लेकिन कंपनी ने कभी उन्हें अथॉरिटी नहीं दी कि वो किसी से किसी कोई लोन ले सके, ना ही कंपनी ने कोई स्पष्ट किया, ना ही कंपनी के आर्टिकल्स या मेमोरेंडम में ऐसी कोई व्यवस्था है। फिर भी मिस्टर ए अगर किसी बाहरी पक्षकार से कोई डीलिंग कर लेते हैं तो वो खुद क्या होंगे, पर्सनली लायबल होंगे, क्योंकि कंपनी की तरफ से कभी भी उनको ऐसी अथॉरिटी गिवन ही नहीं की गई, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर अथॉरिटी से बाहर जाकर आप आउटसाइड अथॉरिटी अगर कोई डायरेक्टर काम कर देता है तो उस काम के लिए वो खुद पर्सनल लायबल होगा, उस काम के लिए जो कंपनी के ऐसे ऑफिसर या डायरेक्टर या जो व्यक्ति ने किया है वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के काम के लिए कंपनी खुद लायबल नहीं होगी, इसलिए आउटसाइडर्स को फिर यहाँ पर इस आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत का बचाव नहीं मिल सकता, ठीक है। तो इस तरह से हमारी इन दोनों क्लासेस में एक तो डॉक्ट्राइन हुआ हमारा कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, और ठीक उसका विपरीत डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, थैंक यू ऑल ऑफ यू।